हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है दैनिक जीवन में रसायन, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, तथा इसको परिभाषित करने के लिए जो तीन सिद्धांत दिए गए थे कौन सा था? आरहेनियस का था, ब्रांस्टेड एंड लोरी था, और तीसरा कौन सा था? लुईस का। तो आरहेनियस ने क्या बताया था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आरहेनियस ने बताया कि वे पदार्थ जो जो जल में अपघटित होकर एच प्लस देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, तथा जो पदार्थ जल में अपघटित होकर ओ एच माइनस देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया था ब्रांस्टेड एंड लोरी। ब्रांस्टेड लोरी ने क्या कहा था कि वे पदार्थ जो एच प्लस यानी कि जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, तथा जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। उसके बाद हमारा आया था लुईस। लुईस ने किसके आधार पर दिया था, किसके आधार पर दिया था? इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर। तो उसने कहा कि जो क्षार होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं वो क्षार होते हैं, तथा जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं? आपके अम्ल होते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे उसके अंदर अम्ल और क्षार के कुछ सामान्य गुण। तो पहला हमें ध्यान में रखना है कि जो अम्ल जो होते हैं, अम्ल इसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं बेटे, एसिड। इसके लिए थोड़ा सा ए बी याद रख लो। ए का मतलब आपका एसिड और बी बी का मतलब ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस। तो अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को अम्ल नीले यानी कि ब्लू लिटमस, लिटमस को लाल, है ना? अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं पहली चीज। अब आ जाइए क्षार पर। क्षार इसका क्या होगा? उल्टा होता है। क्षार क्या होता है? उल्टा होता है। तो हम ये मान लेते हैं, हम इसमें क्या कहेंगे कि जो क्षार होता है, क्षार या जो बेस होता है वो क्या करेगा? लाल लिटमस को, लाल लिटमस को नीला नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। कई बार ऐसे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि यदि हम एक नीला लिटमस लेते हैं, मान लेते हैं आप ऐसा किया कि दो बीकर हैं हमारे पास, ठीक है, दो बीकर हैं और इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, हमें ये नहीं पता कि इसमें अम्ल भरा है या क्षार भरा हुआ है। ठीक है, अम्ल है या क्षार भरा है। मान लेते हैं ये बीकर आपका क्या है? ए है, और ये आपका बीकर बी है। वो ये कहता है कि यदि मैं क्या लिया, एक लिटमस पेपर लिया, कौन सा लिया इसने? आपका नीला लिया। कहता है कि मैं एक नीला लिटमस पेपर लेते हैं, वो ए और बी में डिप करने पर, ये हमने क्या लिया था? नीला लिया हुआ है। ये किस में डिप किया? ए में। कहता है ये लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है? आपका नीला जो लिया था वो किस में बदल गया? लाल में बदल गया। और यहाँ पर इसने कौन सा लिया? लाल लिटमस पेपर लिया। और यहाँ पे कहता है कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता। अर्थात जो लाल लिटमस है वो क्या रहता है? लाल ही रहता है। इसमें हमने जो क्या लिया था? नीला लिया था। और वो किस में बदल गया? लाल लिटमस में बदल गया। कहता कि ए में क्या है? अम्ल है, क्षार है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को किस में बदल देते हैं? लाल लिटमस में बदल देते हैं। लेकिन अगर आपने लाल लिटमस लिया है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो दिया गया विलयन है वो आपका क्या है? वो अम्ल है। तो ये ध्यान में रखना है। इसी तरह से जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को तो नीला कर देंगे, लेकिन अगर आपने पहले से ही नीला लिटमस लिया है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। तो एक तो ये हमारा हो गया कौन सा गुण हो गया, किसका? अम्ल और क्षार का। दूसरा क्या होता है कि जो अम्ल जो होते हैं वो धातु से क्रिया करके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जनरली एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो तीसरा है इसका, जो अम्ल है, अम्ल धातु, कोई भी मेटल ले सकते हो आप, सारे मेटल नहीं, कुछ ही मेटल होते हैं जो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। धातु, अम्ल धातु से अभिक्रिया
अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तीर अगर आप ऊपर की तरफ लगाते हैं इसका मतलब होता है वो गैस होती है। ठीक है, अगर कहीं पे ऊपर की तरफ तीर लगा हुआ है इसका मतलब वो क्या है, आपकी गैसीय अवस्था को बताता है। हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे मैंने जिंक ले लिया, ZN ले लिया, और मैं यहाँ पर HCl ले लेता हूँ। क्या लिया? HCl। HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आप देखिए इसके अंदर जिंक पे क्या होता है बेटे, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है? जिंक पे 2 प्लस चार्ज होता है। इसको आपने तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? H प्लस और Cl माइनस बनेगा। HCl को आपने तोड़ा, क्या बना? H प्लस और Cl माइनस बना, क्योंकि ये प्लस है तो ये किससे जुड़ेगा? माइनस वाले से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? ये माइनस वाले से जुड़ेगा, तो ये आपका हो गया Cl माइनस। ठीक है, अब इन दोनों से कौन सा यौगिक बनेगा? जैसे मैंने क्या बताया था, प्लस से माइनस को खत्म कर देते हैं, जो यहाँ पे लिखा होता है वो यहाँ पर आ जाता है, तो क्या बना? ZnCl2 बन गया। ZnCl2 प्लस, इसको हमें क्या करना है? संतुलित करना है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, प्लस क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन जो है वो क्या बन गई? गैस बन गई। इसका नाम क्या हुआ? जिंक। Cl माइनस को क्या कहते हैं हम? क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोराइड। तो हमारा क्या बन गया बेटा? जिंक क्लोराइड। ये इसका नाम क्या है? जिंक क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हाइड्रोजन गैस जो होती है, अगर आप कोई भी माचिस ले जाके है उसके जला के माचिस ले जाते हैं तो ये पॉप साउंड पट पट की आवाज के साथ जलती है, या पॉप साउंड बोलते हैं या पट पट आवाज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है हाइड्रोजन गैस जो है यह है पट पट आवाज, पट पट आवाज के साथ जलती है। कौन सी आवाज के साथ जलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पट पट आवाज के साथ, या इसको पॉप साउंड, अंग्रेजी के अंदर इसको क्या बोलते हैं? POP, पॉप साउंड, पॉप साउंड के साथ यह है जलती है। तो ये ध्यान रखना है, कई बार क्या होते हैं वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई अगर कोई यौगिक ए है, ठीक है, कोई भी यौगिक ए है जो किसी धातु से अभिक्रिया करके लवण और एक गैस बनाता है, ठीक है, कोई एक गैस बनाता है जो पटपट आवाज के साथ जलती है, तो उस गैस का नाम बताइए। तो वो गैस कौन सी होगी? हमेशा हाइड्रोजन गैस होगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, तो ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज और जिसमें ध्यान रखने वाली है, एक और मैं उदाहरण ले रहा हूं उसके अंदर, अगर आपका जो जिंक है वो किससे अभिक्रिया कर ले? H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर ले। ठीक है, किसके साथ? मान लिया ZN+H2SO4। कहता है भी क्या बनेगा उसके अंदर? अगर आपने देखें तो ये देखिए, यहाँ पे क्या बना? 2H+, इसको तोड़ दीजिए, और SO4 पे क्या बन गया आपका? 2-। जिंक पे आपने याद रखना है कौन सा चार्ज होता है? 2+ होता है। जिंक पे कौन सा होता है? 2+ होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ZN+ और SO4 2-, लिखा। अब देखिए कैसे करेंगे, प्लस से माइनस आपने ख़त्म कर देना है। अगर सेम आवेश है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारा क्या बना? ZnSO4। तो क्या बन गया यहाँ पर? ZnSO4 प्लस क्या बना? हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, कौन सी गैस बनी? हाइड्रोजन गैस। इसका नाम क्या हुआ? जिंक। SO4 को क्या कहते हैं? सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फेट। तो इसका नाम क्या हुआ? जिंक सल्फेट हो गया। क्या नाम है इसका? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। और वो कौन सी आवाज के साथ जलती है? इसको अगर माचिस की तिल्ली जला के लेके जाएंगे तो वो कौन सी गैस किस आवाज के साथ जलेगी? पट पट आवाज, या पॉप साउंड इसको हम बोलते हैं। इसका मतलब अगर आपने जब देखें बेटे, ये आपका क्या है? ये अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये आपका क्या है? ये धातु है। ये क्या है? ये धातु है, कोई भी मेटल है ना,
कोई भी धातु है, इसका मतलब जो अमल जो होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, करते हैं, क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कोई भी जो खट्टे पदार्थ हैं, कोई भी खट्टे पदार्थ हैं उसको धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हम ये ले लेते हैं दही, ले लिया दही को, अगर आपने कॉपर या तांबे के बर्तन में रखा, नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि दही के अंदर कौन सा होता है? दही में अमल होता है, ठीक है। दही में आपका क्या है, कोई ना कोई अमल होता है, वो आपका क्या करेगा, उससे अभिक्रिया कर लेगा और वो दही क्या हो जाएगा, आपका खराब हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है आपने, जो भी खट्टे जो हैं, इसका मतलब ये हो गया खट्टे पदार्थ जो हैं, खट्टे पदार्थ, खट्टे या जिसके अंदर अमल होता है, ठीक है। खट्टे पदार्थ का मतलब जिसके अंदर अमल है, खट्टे पदार्थों पदार्थ को धातु धातु के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि खट्टे पदार्थों में आपका क्या होता है, अमल होता है। क्या होता है? अमल होता है। वो क्या करेगा, इस धातु के साथ क्या कर लेगा बेटा, अभिक्रिया कर लेगा, अभिक्रिया कर लेता है। समझ में आ गया? तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये आपके इसमें एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है लास्ट के अंदर, क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, दही या खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में आप रखते हो तो क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। कहता है कि दही को आपने या खट्टे पदार्थों को धातु में रखा तो क्या होगा, तो हम ये लिखेंगे कि खट्टे पदार्थों में अमल होता है, ठीक है, क्या होता है, अमल होता है, जो धातु से अभिक्रिया कर लेता है तथा वह खराब हो जाता है, तो इसलिए उसको नहीं रखना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, मैं आपको इसमें बोल रहा हूँ और क्योंकि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है इसका, कहता है कि यौगिक ए, क्वेश्चन क्या है इससे संबंधित, एक मैं प्रसंग बोल रहा हूँ, कहता है कि यौगिक ए अमल H2SO4, ठीक है, से क्रिया करके, ठीक है, एक गैस बी बनाता है, ठीक है, जो कि पट पट आवाज के साथ साथ जलती है, ठीक है। ए एवं बी के नाम बताओ। तो ये हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आसान है। जो पटपटा के आवाज के साथ कौन जलता है, पटपट आवाज के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है। इसका मतलब बी तो हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया। ए आपका कहता है अमल है, कोई भी अमल ले सकते हो, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, HNO3 ले सकते हो, HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, ठीक है, तीनों आप ले सकते हो इसके अंदर। तो ए क्या हो सकता है, अमल है, HCl भी लिख सकते हो, H2SO4 भी लिख सकते हो। बी हमको पता है क्या होगा आपका, हाइड्रोजन गैस होगी, बी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगी। तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया जो जनरली आता है। तो दो क्वेश्चन है कि एक तो खट्टे फलों को या खट्टे पदार्थों को धातु में क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खट्टे फलों में अमल होता है जो धातु के साथ अभिक्रिया कर लेता है। दूसरा ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं इसके अंदर, जो धातु होते हैं वो क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा आपका है, चौथा इसका जो गुण है, क्षार जो है धातु से
अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण दिया हुआ है जो आपको याद रखना पड़ेगा, इसको रट लीजिए क्योंकि ये रटने वाला ज़्यादा है, समझने वाला कम है। तो क्षार ले लें 2NaOH और धातु ले लें जिंक। ठीक है, धातु हमने क्या लिया, जिंक ले लिया और हमारा ये बनता है, ये याद कर लीजिए Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, इसको बोल दें सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका, सोडियम जिंकेट। क्या नाम है, सोडियम जिंकेट, अर्थात कुछ ही है, जिंक ये होता है, एल्युमिनियम भी होता है, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, बस सारे अभिक्रिया नहीं करते। तो ये तो हमारा हो गया किसका, कौन सा, तीसरा गुण हो गया। अब चलते हैं हम चौथा गुण हो गया, अब हम चलते हैं उसका पांचवा गुण क्या है। ठीक है, पांचवा आपका गुण है जो धातु ऑक्साइड है। पांचवा गुण कौन सा है, अमल धातु ऑक्साइड। पांचवा गुण है अमल, अमल जो है धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। ठीक है, धातु के ऑक्साइड। ठीक है, धातु, धातु कौन से हो गए, जो पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखें, जो आपके आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी इस तरह से होती है ना, अगर आगे हम अध्ययन करेंगे, जिसमें धातु होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, इनके ऑक्साइड बनाने हैं। ऑक्साइड का मतलब इनके अभिक्रिया किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ होगी। किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, इसका ले लेते हैं, चलो Ca, कैल्शियम। कैल्शियम का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, या आपका एटॉमिक नंबर होता है 20, कितना होता है 20 होता है, तो क्या होगा 2 8 8 O2, ऐसे ही लिखते हैं। इसके अंदर पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरे में 8 जाते हैं, तीसरे में 8, चौथे में अधिकतम 18 जाते हैं, फिर 18 जाते हैं और फिर 32, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। भरने का ये तरीका है, पहले में 2, फिर 8, 8, फिर 18, 18, फिर 32, ऐसे अधिकतम जाते हैं। तो पहले में 2 गए, दूसरे में 8, हमें 20 भरने हैं टोटल, 8, फिर तीसरे में भी 8, चौथे में कितने बचे, अधिकतम चौथे में कितना जा सकता है, 18 भर सकते हो, तो हमें कितने भरने, 2 ही भरने। तो अब स्थाई होने के लिए क्या चाहिए, मैंने आपको बताया था स्थाई होने के लिए 2 ही एक तरीका है, कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन ये बाह्यतम कोश है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 तरीके हो सकते हैं इसके स्थाई होने के, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, या क्या करे, इन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ 8 बच जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग देता है, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना ही प्लस आवेश आ जाता है। ठीक है, तो Ca पे कितना है, प्लस 2, और जो ऑक्साइड होता है उस पर क्या होता है, माइनस 2 होता है। जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, प्लस से माइनस गायब हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 2-2 हैं, तो ये भी गायब हो जाएंगे, कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बना, CaO बन गया। क्या बन गया, CaO। तो जब ये आपका ऑक्साइड है, ठीक है, कौन सा है, ऑक्साइड CaO ले लिया हमने, CaO, इसकी अभिक्रिया करवा दी किसके साथ, HCl के साथ। आप इसको तोड़ के रख लीजिए, Ca पे हमारा कितना था, प्लस 2 था, ऑक्सीजन पे कितना था, माइनस 2 था, इन दोनों को तोड़ लीजिए, H पे क्या था, प्लस, और Cl पे क्या था, माइनस होता है। तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला जुड़ेंगे, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला ऐसे जुड़ते हैं, अपोजिट जो आवेश होता है, विपरीत आवेश एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ Ca, 2 पॉजिटिव लिया, Cl माइनस लिया, देखो प्लस से माइनस, तो ये 2 कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो क्या बन गया बेटा, CaCl2 बन गया। ठीक है, अब इन दोनों को देखना है, प्लस वाला पहले लिखना होता है, माइनस वाला बाद में लिखना होता है, तो क्या होगा, प्लस से माइनस कैंसिल, अब ये 2 किधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बना, H2O बन गया। तो ये आपका लवण, इसका नाम क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड।
ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह से एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए, CuO कॉपर ऑक्साइड। CuO क्या नाम है? कॉपर ऑक्साइड। क्या नाम है? कॉपर ऑक्साइड प्लस ले लीजिए HCl, यहाँ पर भी यही है। कॉपर पे कितना आवेश है? प्लस टू। ऑक्सीजन पे कितना है? टू माइनस। ये आपका H प्लस और Cl माइनस, ये इसके साथ जुड़ेगा और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा? वही बिल्कुल सेम ऊपर की तरह ही CaCl2 प्लस H2O का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि क्या क्या बनता है। ये अम्ल है ना, तो ये धातुओं के ऑक्साइड कैसे परिवर्तित होंगे? लवण और जल जब भी बनते हैं तो कैसे बनते हैं? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, तभी लवण और जल बनते हैं। इसका मतलब ये आपके क्या है? ये अम्ल है ना, ये अम्ल है ना, अम्ल HCl अम्ल होता है, हमें पता है। इसका मतलब इसकी प्रकृति क्या होगी? क्या होगी? क्षारीय प्रकृति होगी। कौन सी प्रकृति होगी? क्षारीय प्रकृति होगी। इसका मतलब जो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो सारे के सारे क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जितने भी ऑक्साइड हैं, तो कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं? अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, अतः धातुओं के ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं? अधातुओं के ऑक्साइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? अधातुओं के ऑक्साइड लेते हैं। अधातु कौन से हो गए? कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो हम क्या ले रहे हैं? एक सिंपल सा उदाहरण ले रहे हैं, इसके अंदर अधातु ऑक्साइड ले रहे हैं और उसके साथ क्या ले रहे हैं? क्षार ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं? अधातु ऑक्साइड। नेक्स्ट इसका गुण है, जो भी नंबर हो, अधातु ऑक्साइड और मैं यहां क्या ले रहा हूं? कोई भी क्षार ले रहा हूं, तो भी क्या बनता है? लवण एवं क्या बनता है बेटा? जल का निर्माण होता है। तो अधातु ऑक्साइड कोई भी एक ले लीजिए, CO2। ठीक है, क्या ले रहे हैं हम? CO2 ले रहे हैं। कोई भी क्षार एक आप जो भी लेना चाहो ले लीजिए, जैसे मैंने ये लिया CaOH का होल ट्वाइस ले लिया। ठीक है, इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड नाम है। ठीक है, इसको लाइम भी बोलते हैं, चूना भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपका क्या होगा? इसके अंदर ये अभिक्रिया करता है। ठीक है बेटे, और किसका फॉर्मेशन करता है? यहाँ से देखो, इसको मैं थोड़ा सा अलग करके लिख लूँ। CA बनता क्या है भाई? दो OH है तो मैंने अलग करके लिखा, ठीक है ना। तो इसमें से जल बाहर निकलेगा, ये देखिए, ये जल बाहर निकल गया। क्या बना? H2O। तो मैं लिख दूं बेटा यहाँ पर H2O लिखा। अब पीछे क्या बचा? CA, फिर C, ऑक्सीजन कितने हो गए? दो ये, एक ये, तीन। तो क्या बना? CaCO3। ठीक है, क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, और क्या बना? ये जल बन गया। ये कौन सी प्रकृति का था? जहां पे OH माइनस आ गया, इसका मतलब कौन सी प्रकृति है? इसकी क्षारीय प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है? क्षारीय, है ना। ये आपका क्षार है, तो इसका मतलब ये कौन सी प्रकृति का होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, अतः अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं, अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर का, कि कोई भी एक ऐसी अभिक्रिया लिखिए जिसमें अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो आपने बेटा ये अभिक्रिया इसमें लिखनी है। अब इसमें आपका क्या है? इसके अंदर जितने भी अम्ल और क्षार होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक का मतलब उसके अंदर विद्युत धारा हम प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गुण हो गया कि अम्ल और क्षार जो हैं उनके जो जलीय विलयन है विद्युत के सुचालक होते हैं। और लास्ट और हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया।
उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाए, लवण और जल का निर्माण करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, क्या क्या कहते हैं उसको, उदासीनीकरण। अम्ल कोई भी ले लें हम, चलिए एक सिंपल सा लेते हैं, क्षार भी एक कोई सिंपल सा क्षार ले लेते हैं। ये क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको तोड़ेंगे क्या बनेगा, एच प्लस सी एल माइनस। इसको तोड़ दीजिए क्या बनेगा, एन ए प्लस और ओ एच माइनस बनेगा। ठीक है, ये आयन्स हैं इसके अंदर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर क्या है, जोड़ना है विपरीत आवेश। ये प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ जुड़ेगा और ये Na प्लस जो है वो Cl माइनस के साथ जुड़ेगा। ध्यान रखना है प्लस वाला पहले लिखना है और माइनस वाला बाद में लिखना है। तो हमारे पास क्या है, Na प्लस और क्या है Cl माइनस, तो प्लस से माइनस कैंसिल, दोनों को जोड़ दीजिए क्या बना, NaCl बन गया। क्या बन गया, NaCl। ये दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, जल बना, जल का सूत्र लिख दीजिए। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। मैं एक और उदाहरण ले रहा हूँ सिंपल आपको, ताकि और समझ में आ जाए। यहाँ पे ये आपका क्या है, अम्ल है, ये आपका क्या है क्षार है, ये आपका क्या है लवण है और ये जल है। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, एक अम्ल और ले रहे हैं H2SO4 प्लस NaOH ले लिया हमने, कहता भी क्या बनेगा, वही बनना तो वही है, लवण और जल बनना है। लेकिन इसको आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2 पर H प्लस आ जाएगा और सल्फेट पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Na प्लस और OH माइनस। तो ये और ये तो मिलके क्या बनाएंगे, ये और ये मिलके तो जल बना देंगे H2O। अब ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, देखते हैं भाई दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अभी देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, Na प्लस है और क्या है, SO4 2 माइनस है। तो प्लस से माइनस आपने कैंसिल करना है, जो ऊपर लिखा होता है वो आपका यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके पैर में आ जाता है, तो क्या बन गया, Na2SO4 बन गया। इसको ना क्या कहेंगे, सोडियम सल्फेट। क्या कहेंगे इसको, सोडियम सल्फेट। क्या नाम है इसका, सोडियम सल्फेट नाम है। ठीक है, तो इसको हम आप क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अम्ल के गुण भी खत्म हो जाते हैं और क्षार के गुण भी खत्म हो जाते हैं। तो ये तो हमारी होगी सारी अभिक्रियाएं। कल हम पढ़ेंगे इसके अंदर अम्ल और क्षार के दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग हैं, भाई कहाँ कहाँ उपयोग होता है। एक आदम आपको उपयोग बताता हूँ, एंटा एसिड अगर आपने सुना होगा, ठीक है, मैं इसमें एंटा का मतलब विपरीत, एसिड, एसिड का मतलब जो अम्ल के विपरीत। अम्ल के विपरीत क्या होता है, क्षार होता है। जब हमारे जंक फूड खाते हैं हम, ठीक है, तो हमारे स्टमक में क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है ना, एसिडिटी होती है। एसिडिटी के लिए क्या हुआ, जो हमारा स्टमक होता है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, जिससे हमारे क्या होगा, स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अब भाई उसको उदासीन करने के लिए हम क्या लेते हैं, इनो लेते हैं, लेते कि नहीं लेते, इनो लेते हैं, इनो है ना। इनो के अंदर आप उस पर देखिए क्या लिखा होता है, ठीक है, उसमें एक चीज लिखा होगा इंग्लिश के अंदर, इनग्रीडियंट लिखा होता है, वो उसको आप देखना, उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, ये होता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपका क्षार होता है, हमारे स्टमक में क्या है, अम्ल है, तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, जिससे हमारी जो एसिडिटी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये इसके हम कल सारा डिटेल में अध्ययन करेंगे, और यहाँ तक हमारा हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। थैंक यू।